गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड नाउ वी आर इन 9th क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 9th क्लास टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. एंड फ्रॉम दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द सेल ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ न्यूक्लियस. As you know, children, endoplasmic reticulum is found in all eukaryotic cells except mature mammalian RBCs. ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग कि जितने भी mature mammalian RBCs हैं उनमें और prokaryotes में endoplasmic reticulum absent होगा. इनके अलावा बाकी जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. एंड एज यू नो ओनली डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो इट इज़ ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क. न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप देखें तो ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट है और इस मेम्ब्रेनस नेटवर्क के अंदर एक इनर फ्लूइड प्रेजेंट है, एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो जो फ्लूइड मटेरियल है वो फ्लूइड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सब्सटेंस में, तो ये ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्प करती हैं. फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कम्युनिकेट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को. इस पॉइंट पर आप बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्युनिकेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मींस इट कनेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को ही कनेक्ट करती है. सो इट कम्युनिकेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ हम इसको क्यों कह रहे हैं स्मूथ, बिकॉज इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कोई ग्रैन्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है. मींस राइबोसोम्स जो हैं वो ग्रैन्युलर सब्सटेंस हैं और वो ग्रैन्युलर सब्सटेंस SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट हैं ये, इसीलिए ये सरफेस स्मूथ रहेगी. और इस टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. एंड दे हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ SER. ये लिपिड सिंथेसिस का फंक्शन करेंगे, काम करेंगे. फाइन. नाउ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि अभी हमने एक बताया था कि ग्रैनुलर सब्सटेंस आर राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस पर हम इसको टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं. सो RER की जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, अटैच्ड होंगे राइबोसोम्स ER की सरफेस पे. और जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कि राइबोसोम्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं, सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं कहाँ पर, न्यूक्लियोलस में. न्यूक्लियोलस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करती है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को, यानी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होती है. तो इजीली जो है राइबोसोम्स वहाँ से निकलकर धीरे धीरे न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू ये बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे, लेकिन आसपास के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस से अटैच्ड भी हो जाएंगे. एंड व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ER देन इट इज़ नोन एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और बिकॉज राइबोसोम्स इसकी सरफेस पर अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, सो फंक्शन ऑफ RER इज़ प्रोटीन सिंथेसिस. ध्यान रखेंगे बेटा आप ये बात. नाउ डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस करते हैं RER एंड SER के बीच में तो देखिए मेम्ब्रेन के बेस पर अगर हम करते हैं तो SER में देखिए मेम्ब्रेन्स ऑफ SER आर स्मूथ विदाउट राइबोसोम्स, मीन राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट है बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER. फाइन.
सेकेंड एस ई आर में आप देखिए, इट इज़ द फंक्शन, इनका जो फंक्शन है दे हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन, दोनों का ध्यान रखेंगे आप, सिंथेसिस भी कर रहे हैं ये, सिक्रीशन भी कर रहे हैं लिपिड्स एंड स्टीरोइड्स को. स्टीरोइड्स जो हैं एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड काफ़ी हद तक ये सिमिलर होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स के, और ये जो है एक डिफरेंट कैटेगरी ही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो उनके सिंथेसाइजिंग में भी ये हेल्प करते हैं. और आर ई आर का अगर हम फंक्शन करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज भी कर रहे हैं एंड ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद एस ई आर का ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एन सी आर टी में भी ये गिवन है, तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को. दे हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स. जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स के जो एस ई आर हैं, बेटा फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए कि वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स के जो एस ई आर हैं, दे हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स. बट आर ई आर ऐसा कोई फंक्शन नहीं करती हैं, इनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. नाउ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो ये देखिए स्मॉल, ये इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये ओवल्स स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेसिकल्स एंड दीज आर ब्रांच ट्यूब्यूल्स. सो एस ई आर जनरली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. ये जो हैं ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. फाइन बेटा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं. एंड आर ई आर जो हैं आप देखिए फ्लैटेंड सेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं एंड दीज फ्लैटेंड सेक्स आर नोन एज सिस्टर्नी. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइबोसोम्स जो हैं इसकी सरफेस पर अटैच्ड भी हैं जनरली. सो दीज आर फ्लैटेंड सेक्स एंड दीज फ्लैटेंड सेक्स आर नोन एज सिस्टर्नी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ जस्ट लुक एट हियर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शंस ऑफ में आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. देखिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है सेल को. तो अभी मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दें कि आप देख रहे हैं कि सपोज़ अगर ये सेल है, सपोज़ ये हमने जो है सेल का डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर हम ये न्यूक्लियस बना रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक है. अब आप ध्यान करेंगे कि न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये ही आगे चल के कनेक्ट हो रही है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ ही प्रेजेंट होगी. तो साइटोप्लाज्म में जब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ ये साइटोस्केलेटन का काम भी कर रहा है. बिकॉज जहाँ जहाँ पर गैप्स होंगे इस ट्यूब्यूल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये नेटवर्क है इसके बीच में, वहाँ दूसरे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होंगे. तो एक तरीके से ये फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है सेल के लिए, इनर साइटोप्लाज्म के लिए, जिसमें दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं वो एम्बेडेड रह सकते हैं. साथ साथ ये साइटोस्केलेटन भी प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए इसका एक बेसिक फंक्शन हो गया, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. ध्यान रखेंगे कॉमनली हम इसको साइटोस्केलेटन भी कह सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. फाइन, नेक्स्ट देखिए आप सेकेंड फंक्शन, इट्स चैनल्स फॉर्म इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. बेटा ध्यान करेंगे, इंटरसेल्युलर मीन्स, इंटर मीन्स इन बिटवीन, सेल्युलर सेल्स, सेल्स के बीच में, यानी सेल सेल्स के बीच में. सपोज ये अगर मान लिया हम कहते हैं सेल्स हैं, तो सेल सेल्स के बीच में जो ये सब यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, यहाँ पर भी सब्सटेंस प्रोवाइड कराने का काम इन्हीं ट्यूब्यूल्स का है, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा ये नेटवर्क हो गया ट्यूब्यूल का, और देखिए कहाँ तक जा रही है,
पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रही है। अभी हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था ना, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ से ध्यान रखें, ये दोनों को जोड़ रही होगी, यहाँ से जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट होके वो यहाँ तक जा रहा है, मीन्स सेल के बाहर तक भी ये लेकर जा रही है मटेरियल को। इसलिए ये जो है चैनल्स प्रोवाइड करा रही है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इट फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का आप बहुत अच्छे से कि जब भी सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद हर बार नया न्यूक्लियस बनेगा, है ना। और जब सेल डिवीजन होते हैं तो आपको पता है ना बेटा, टू डिवीजन्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस मतलब डिवीजन और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आफ्टर दैट साइटो, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस, डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा सेल डिवीजन टाइम पर, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। अब ये ऑलरेडी हम और डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और अभी अभी आपने पढ़ भी लिया ना इनके बारे में कि ये जो हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बना रहे हैं, SER तो लिपिड्स बना रहे हैं और RER प्रोटीन्स बना रहे हैं, इसलिए ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम भी करें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये फॉर्म करते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए, SER प्रोड्यूसेस लिपिड्स। SER जो हैं वो लिपिड्स बना रहे हैं, साथ साथ लिपिड्स को स्टोर भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे जब बनेंगे वहाँ पर तो स्टोरेज का भी ज़रूर वहाँ पर होगा, तो ये फॉर्मेशन भी करेंगे, सिंथेसिस भी करेंगे एंड स्टोरेज भी करेंगे लिपिड्स को। एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टीरॉइड्स। RER helps in the synthesis and transportation of proteins. ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जस्ट लाइक द न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस फॉर्मेशन, लाइफ की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे? सेल बनाकर। बिकॉज सेल की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एज यू नो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। और ये लिपिड प्रोटीन्स बना कौन रहा है? RER एंड SER। सो वी कैन से ER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रही है। अब आप ये दो पॉइंट्स तो यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय ER। ये ध्यान रखेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं असेसमेंट में। नेक्स्ट दिस पॉइंट, SER ऑफ लीवर सेल्स स्पेशली ऑफ वर्टिब्रेट्स हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजंस। टॉक्सिक नेचर एंड डिटॉक्सिक, मतलब जो टॉक्सिक नेचर है उस टॉक्सिक नेचर को रिमूव करना, दैट इज़ डिटॉक्सिफाई करना। और ये डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहे हैं? SER ऑफ लीवर सेल्स। जो भी ड्रग्स एंड पॉइजंस हैं उनके डिटॉक्सिक नेचर को ये रिमूव कर देते हैं। फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से एक बार मेन मेन पॉइंट्स में आपको रिवाइज करा देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ न्यूक्लियर, स्पेशली दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सब में, बट ये मैच्योर मैमिलियन RBCs में एबसेंट हैं, प्रोकैरियोट्स में ये एबसेंट हैं। मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, ये इनर फ्लूइड सिस्टम सेल का मेंटेन कर रहा है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कम्युनिकेट्स बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, SER एंड RER, जिनके हमने डिफ्रेंसिएशन और फंक्शन अभी अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। सो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सारे पॉइंट्स को आप ध्यान भी रखेंगे। सो प्लीज़ रिवाइज ऑल दीज पॉइंट्स। फाइन।